नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज़। मानगो पुलिस ने 9 जून को हुई चोरी की घटना में एक आरोपी को आभूषण और नकदी के साथ घर दबोचा है। इसका खुलासा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 की ओर से पत्रकार सम्मेलन में किया गया। डीएसपी ने बताया कि घटना के संबंध में आजाद नगर रोड नंबर 14 के रहने वाली नाजमुन निशा की ओर से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। घटना की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की जानकारी ली, इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर आरोपी के पास से जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख मोहम्मद अनवर उर्फ अनवर हुसैन है। वह सरायकेला खारसावा जिले के कपाली देमडूबी इलाके का रहने वाला है। मामले का उद्भेदन करने के लिए छापेमारी टीम बनाई गई थी। इसमें इंस्पेक्टर सह मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार, एसआई विवेक कुमार पंडित, महेंद्र कुमार, एएसआई फोर मिसियूज कजूर, आरक्षी वसीम खान और वीरेंद्र नाथ महतो शामिल थे। देखिए, दिनांक 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि में मानगो 14 नंबर में एक चोरी की घटना, गृह वेदन की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में मानगो थाना कांड संख्या 164/2024 दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के पश्चात मानगो थाने की पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटा के अंदर चोर को पकड़ के उसके पास से जो चोरी हुई जो संपत्ति है उसको बरामद कर लिया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो चोर है, जो इस केस का एक्यूज है, उसका नाम है मोहम्मद शेख अनवर। ये रहने वाला है कपाली का, डेमडूबी कपाली का रहने वाला है। जो सामान बरामद हुआ है उसमें मोबाइल फोन है, कैश है, पायल है और भी लेडीज पर्स, मोबाइल फोन आदि सामान उसमें बरामद हुआ है। मतलब चोरी गई सारी से प्रॉपर्टी, सारे आर्टिकल्स बरामद कर लिए गए हैं और इनको अभी को जेल भेजा जा रहा है। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ YouTube और Facebook पर। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।